हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि बहुत अच्छे हैं। मैं भी ठीक हूँ। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और देख ही रहे हैं कि नहीं, अर्जुन आ गया है घर। अर्जुन को कहीं ना कहीं उसको प्रमोट किया जा रहा है, उसको अगवा किया गया है। और ये पूरा सोचा समझा साजिश था जो कि इन सब का चल रहा था। वो देखिए, शादी किया था और शादी कराया भी गया, किया इसका ये विष्णु ही कराया था। मालती की आज बोल रही है कि कुछ मेरा कोई सच्चाई नहीं जान रहा है, नहीं ये कुछ जानना चाहता है। तुम बताओगी तब तो तुम क्या बताओगी? तुम खुद ही वैसी हो। अरे तुम्हारा हस्बैंड, अगर तुम्हारा पति अगर दूसरे के हाथ में तुम्हारा हाथ रख रहा था, उस टाइम तुम कहाँ थी? तुम दोनों की गलती है। तुम दोनों इतनी बड़ी गलती किए हो, पैसे के लिए, व्यूज के लिए तुम लोग इतना बड़ा साजिश कर रहे हो। दुनिया में तुम लोग को कहीं जगह बचा है? तुम लोग का कहीं जगह बचा है कि तुम लोग रहोगे? तुम लोग का नाम लेने से भी लोग बहुत दिक्कत हो रही है, नाम नहीं लेना चाहता है कोई भी तुम लोग का। तुम दोनों ऐसे है ही हो। और मालती, तुम बोल रही हो कि नहीं मेरा नाम कोई लेने में बहुत गाली दे रहा है, कर रहा है। क्यों नहीं देगा? तुम काम ही ऐसा कर दियो। तुम्हारा जब पति दूसरे के हाथ में हाथ रख रहा था, तुम कहाँ थी उस टाइम? तुम भी चाहती तो 112 पर नंबर पे फोन कर दी होती, अगर तुम्हें इतनी इमरजेंसी क्या थी करने की। और वे शादी नहीं था, वो गुलाल था। और सिंदूर नहीं था, गुलाल था। गुलाल से तुम की थी और नहीं तो हंस रही थी। तुम्हें हंसी आ रही थी, तुम्हें तो मज़ा आ रहा था, तुम्हें हंसी आ रही थी। अब कहीं ना कहीं तुम मजबूर, तुम दोनों मजबूर कर दिए थे अर्जुन को करने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं रहा था, अगर उसको इतना रहता कि नहीं हम प्यार करते हैं, प्यार करने वाला इंसान तुरंत भाग के नहीं आ जाता है, ठीक है? तुम दोनों तो इतना गंदा मचा दिए हो सोशल मीडिया पे कि अपना कोई साफ सुथरा अगर वीडियो डाल दे, तुम लोग के सिवा दूसरे का चलने वाला है भी नहीं। तुम लोग तो ऐसा काम ही कर दिए हो, इतना बवाल कर दिए हो कि सोशल मीडिया पे तुम सिवाय, तुम दोनों के सिवाय तो कोई दिख ही नहीं रहा है। तुम खुद ही इतना, तुमको तो बहुत मजा आ रहा था हंस हंस के सिंदूर पर। और बिछड़ू भैया, आप तो कह रहे हो कि मैं बच्चे के लिए, क्या बच्चे के लिए कर, बच्चे उसको साथ में दे रहे थे। तुम्हें खुशी होगा तो तुम हमें दे देना, मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना, बच्चे को पास रखना, तुम्हें खुशी होगी तो। अरे वो शादी की भी थी तो शादी जब कराए तो सचा मतलब पूरा बनाया गया खेल था कि ऐसा करोगी, क्योंकि ख़त्म तो होने वाला नहीं था। वहाँ से कोर्ट से आई, फिर वहाँ के बाद एक और साजिश किया गया। तुम दोनों को तो इज्जत के नाम की कोई चीज़ें नहीं रह गई है कि कुछ बचा है, क्योंकि सोशल मीडिया पे इतना सब काम ही कर देते हो, गाली मारना पीटना। आज की बात नहीं, नई बात नहीं है, सही बात है कि सभी लोग पहले तो बहुत अगर होता था तो भी लोग कहते थे, तो भी पब्लिक कहती थी कि सब नाटक है। आज भी लोग कहेंगे ही कि नाटक है, क्योंकि तुम लोग ऐसा काम ही कर दिए, तुम लोग ऐसा काम ही कर दिए हो। और नहीं तो कह रहे कि मेरा बेटा को तुम क्या बेटा बेटा कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो। हमारा नौटंकी है बिछड़ू भैया, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ड्रामाबाज हैं दोनों, बहुत ड्रामे कर रहे हैं। और कह रहे हैं कि मेरा बेटा बेटा क्या है, कुछ नहीं है, ना परवाह बेटे की है और ना ही पत्नी की है, ना पति का है, कुछ परवाह नहीं है। अगर इतना लज शर्म होता तो ऐसा नहीं करते, एक पति भी एक पत्नी को ऐसा नहीं करना करता कि नहीं हम दूसरे के हाथ में अपनी पत्नी का हाथ रख देते। अरे अगर इतना शूटिंग करने का शौक़ था तो बोल दिए होते, क्योंकि वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है, वो वीडियो इतना वायरल हो रहा है कि अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है आप लोग का, कि अगर हम लोग कोई अच्छा ब्लॉग भी बना के डाल दें तो चलने वाला नहीं है। ऐसा कर दिए हैं लोग कि हम लोग अगर कोई वीडियो डाल दें तो ट्रेंडिंग चल नहीं रहा है वीडियो, इसीलिए आप लोग का वीडियो मजबूरी हो जाता है लोगों को डालने की। क्या ज़रूरत है आप लोग के नाम की वीडियो? आप लोग का नाम भी कोई लेना नहीं चाहता है, बिल्कुल नहीं ले, अपने मुंह से जुबान से तो निकालना नहीं चाहता है। क्या ज़रूरत है वीडियो डालने की?
अब गोरखपुरिया भौजी, आप तो कभी बीच में पड़िएगा ही नहीं, पता नहीं कैसे फुहरी का हेल्प करने चली गई। इन सब की आदत है, अब ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि जाएंगी बार बार और पिसाएंगी, और इन सब के चक्कर में आपके पूरी फैमिली ही पीसी जा रही है। आपके भी परिवार में 3 बच्चियां हैं, आपके पति हैं, आप हैं, आपके सासू माँ है, ससुर हैं, सभी लोग हैं आपके परिवार में। इन सब के चक्कर में आपके परिवार में पीछे सभी लोग पीछे जा रहे हैं, और आप औरत के खिलाफ, महिला के खिलाफ खड़ी होती है, अच्छी बात है, होना चाहिए, किसी एक को होना चाहिए। आप खड़ी होती हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे करके किसी को बदनाम करना ये अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से कई परिवारों, कई फैमिली ही खराब कर दी जाती है, क्योंकि आज है बदनाम है तो इन सब के वजह से पब्लिक गाली दे रही है, नहीं तो कोई नहीं ऐसा गाली देता था। आपको भी पब्लिक गाली देती है इन सब के वजह से, इन सब का साजिश था, एकदम बना बनाया खेल था, ऐसा काम कर दिए। और आज मालती कह रही है कि मेरा कोई सच्चाई नहीं जानता है, हम भी रखे अपलोड नहीं कर रहे वीडियो, क्यों नहीं कर रही हो, कर दो, तुम्हारा बच्चा ही क्या है कि नहीं तुम पब्लिक कर रही हो, क्यों नहीं पब्लिश कर दो, अपलोड कर दो, वो भी देखे पब्लिक, क्यों नहीं देखेगी, सबका सुन रहा है पब्लिक, तुम्हारा नहीं सुनता, तुम्हारा सुन के भी क्या करेगा कोई। और चलिए कोई बात नहीं, ये सब जो कर रहे हैं कर रहे हैं, किसी से कोई वो नहीं है, लेकिन देखने के बाद तो बहुत होता है, क्या किया जाए। हम लोग अच्छा खासा वीडियो भी डालते हैं, लेकिन वो भी चलता नहीं है, बहुत मन नहीं करता है वीडियो डालने का। ऐसे ही बैठे थे तो मैं सोची वीडियो देख डाल दूं, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, और जो भी होगा कमेंट में, मैं अगर कुछ गलत बोली होंगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, और देखिएगा आप लोग। और कल दिवाली है, बहुत अच्छा लग रहा है, सफाई उफाई की हूँ मैं, और अभी जाना है मुझे ड्यूटी, शाम को आऊँगी कल, तो कुछ करूँगी। ठीक है, मैं वीडियो यहीं तक एंड करती हूँ, जो मुझसे गलती हुई होगी मुझे माफ़ कीजिएगा, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं वीडियो बस